जो अपने दादाजी के साथ विलेज गई है घूमने के लिए और उसे विलेज की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है वाई इज दाई इज़ दिस विलेज सो डियर टू यू ग्रांडपा फिर चीनी अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी ये विलेज आपके लिए इतना प्यारा क्यों है आई वॉज बॉर्न इन दिस विलेज आई हैव माई ओल्ड फ्रेंड्स माई स्कूल एंड आई लॉट ऑफ मेमोरीज हेयर तभी उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ था यहाँ मेरे दोस्त हैं मेरा स्कूल है और बहुत सारी पुरानी यादें हैं इज दिस द स्कूल वेयर यू स्टडीड क्या ये वही स्कूल है जहाँ पढ़ते थे नो चीनी वेन आई वॉज़ अ चाइल्ड आई वॉकड लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गो टू माई स्कूल इन एनदर विलेज देयर वर नो पक्का रोड्स इलेक्ट्रिसिटी और टेलीविजन नहीं चीनी जब मैं छोटा था तो बहुत दूर घूम बहुत दूर पैदल चल के जाता था स्कूल पढ़ने के लिए जो कि एक दूसरे गांव में था वहाँ पे कोई रोड भी नहीं थी बिजली भी नहीं थी और टीवियाँ भी नहीं थी हाउ डिड यू इंजॉय एंड रिलैक्स विदाउट टेलीविज़न तो फिर दादाजी आप इंजॉय कैसे करते थे कैसे आराम करते थे जब टेलीविज़न ही नहीं था वी हैड ग्रीन फील्ड्स एंड ओपन स्पेसिस टू प्ले we flew kites and made paper boats with friends folk singers and dancers performed in the evening Haan, तभी चीनी के दादाजी फिर उसे बताते हैं कि हमारे पास खेलने के लिए हरे भरे मैदान थे बहुत सारी खुली जगह थी जहाँ हम पतंग उड़ाते थे पेपर की बोट बनाते थे दोस्तों के साथ गाना गाते थे डांस करते थे नॉन लाइफ इन विलेजेस ऑफ इंडिया हैज़ चेंज्ड अब इंडिया में भी विलेज की जो लाइफ है वो बहुत चेंज हो गई है टुडे एवरी विलेज हैज़ अ स्कूल अ पोस्ट ऑफिस अ बैंक एंड हेल्थ सेंटर विलेजेस नाउ ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव पक्का रोड्स मोस्ट ऑफ़ द विलेजेस इन इंडिया आर कनेक्टेड टू नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी एंड देयर आर स्कूल फॉर एल्डर टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट पीपल इन अ विलेज मोस्टली वर्क एज फार्मर्स टुडे मैनी फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स मोटरसाइकल्स कार्स एंड जीप्स दे ग्रो व्हीट कॉर्न राइस एंड मेलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टाउन्स एंड सिटीज देयर आर कैनल्स दैट गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फार्म मोस्ट फैमिलीज इन विलेज नाओ हैव मोबाइल फोन्स एज वेल हाउ इज़ द सीन गिवन बिलो डिफरेंट फ्रॉम देट ऑफ अ विलेज अब जो आज कल के गाँव हैं वो भी बहुत बहुत अलग हो गए हैं वहाँ पर भी स्कूल है पोस्ट ऑफिस है बैंक है हेल्थ सेंटर है अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है रोड भी बन गई हैं और जो ज़्यादातर गांव हैं वो भी सिटीज़ और टाउन्स के पास ही होते हैं वहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और जो गांव के बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी स्कूल है और जो गांव के जो लोग हैं वो फार्मिंग भी करते हैं उनके पास ट्रैक्टर भी है मोटरसाइकिल भी है कार भी है जीप भी है वो लोग अपने जब फार्मिंग करते हैं तो गेहूँ चना चावल सब कुछ उगाते हैं और फिर उनको सिटीज़ में किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की मदद से ले आते हैं और बेच देते हैं और पानी के लिए भी उनके पास मोटर्स वगैरह हैं और जो अब तो आजकल आप देख रहे हो जैसे कि गाँव में भी काफी लोगों के पास मोबाइल फोन है अब क्या आपको लगता है कि एक विलेज है गुड इवनिंग सरपंच जी गुड इवनिंग हैव यू सीन द न्यू चिल्ड्रन्स पार्क इन अवर विलेज तभी सरपंच जी आते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने हमारे विलेज का जो नया बच्चों के लिए पार्क बना है वो देखा माई ग्रांड एंड आई आर गोइंग टू द children's पार्क टुडे इट लुक्स ग्रीन एंड क्लीन तभी चीनी के दादाजी बोलते हैं कि हाँ मैं और मेरी पोती हम दोनों घूम चिल्ड्रेंस पार्क देखने जा ही रहे हैं और जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा और हरा भरा है डिड योर फ्रेंड मेक द पार्क फॉर चिल्ड्रन तब चीनी अपने दादाजी से पूछती है कि ये जो पार्क है वो आपके फ्रेंड ने बनाया है यस yes, चीनी ही इज़ द सरपंच ऑफ विलेज तब वो कहते हैं कि हाँ चीनी ये हमारे विलेज के सरपंच हैं तो फिर चीनी पूछती है हु इज़ ए सरपंच ये सरपंच कौन होता है तब उसके दादाजी उसको बोलते हैं सरपंच इज़ अ पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ़ द विलेज पंचायत सरपंच वो होता है जो कि विलेज की पंचायत का हेड होता है अब विलेज पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेट अस फाइंड आउट अबाउट द विलेज पंचायत इंडिया फॉलोज द थ्री टायर पंचायत सिस्टम एज़ शोन इन द फिगर हम विलेज पंचायत के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया है उसमें तीन पंचायत चलती हैं जैसा कि लिखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है वो उनको हम जिला परिषद कहते हैं जो ब्लॉक लेवल पे होती है हम उसको पंचायत समिति कहते हैं और जो विलेज लेवल पे होती है हम उसको ग्राम पंचायत कहते हैं पर्सनस ऑफ अ विलेज हु आर एटीन ईयर्स ऑफ एज आर अबव चूज इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजन्स फॉर द विज एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स द चूजन मेंबर्स फ्राम द लोकल गवर्नमेंट इन अ विज इट इज़ कॉल्ड ग्राम पंचायत अ ग्राम पंचायत हैज सेवन टू सेवनटीन मेम्बर्स हु आर कॉल्ड पंच जो गाँव में गाँव में जो लोग होते हैं वो अट्ठारह साल या उससे ज़्यादा के होते हैं वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अपनी केयर खुद कर सकते हैं लेकिन जो मेंबर चूज़ करे जाते हैं लोकल मे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से विलेज के लिए हम उसको ग्राम पंचायत कहते हैं अब ग्राम पंचायत में सेवन से लेकर सेवनटीन मेंबर होते हैं जिनको हम पंच कहते हैं द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड सरपंच एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमन मेंबर जो हेड होता है पंचायत का हम उसको सरपंच कहते हैं हर एक पंचायत में एक वुमन मेंबर होती है ग्राम पंचायत टेक केयर ऑफ़ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस इट्स फंक्शंस आर ग्राम पंचायत कैसे लोगों की हेल्प करती है कैसे केयर करती है गांव में और उसके फंक्शंस क्या हैं कीपिंग द विलेज क्लीन वो विलेज को साफ रखती है सेकेंड प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर साफ पानी पीने के लिए इंतज़ाम करती है सेटिंग अप स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स गांव में स्कूल्स बनवाती है हेल्थ सेंटर बनवाती है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स बिल्डिंग बनवाती है और रोड्स बनवाती है प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ सच एज वाटर एंड सीड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स गांव के जो फार्मर्स होते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पानी की और सीड्स वगैरह जिससे क्रॉप्स हो पाए सेटलिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड इश्यूज बिटवीन द विलेजर्स और जो विलेज के लोगों के बीच में जो भी लड़ाई होती है जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है टू कैरी आउट दिस ड्यूटीज पंचायत नीड मनी पंचायत गेट मनीज फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पीपल ऑन लैंड एंड वाटर समटाइम्स पंचायत ऑल्सो अर्न मनी बाय ऑर्गेनाइजिंग and एंड even the central government gives मनी टू the panchayats टू डू their ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस अब इन सब ड्यूटीज़ को करने के लिए पंचायत को पैसे चाहिए होते हैं पंचायत को अब रुपये कहाँ से मिलते हैं पंचायत को रुपये मिलते हैं जो हम टैक्स पे करते हैं लैंड पे वाटर पे उनसे पंचायत को पैसे मिलते हैं पंचायत को पैसे फेयर जो कभी कभार गाँव में मेला लगता है उनसे भी मिल जाता है या फिर कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको पैसे देती है जिससे वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें इन टाउंस द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज़ कॉल्ड द म्यूनसिपल कमेटी मेम्बर्स ऑफ इम्यूनसिपल कमेटी आर कॉल्ड म्यूनिसपल काउंसलर्स अब टाउंस में जो गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल की और उसको हम म्यूनिसपल कमेटी कहते हैं और जो म्यूनिसपल कमेटी में जो लोग होते हैं हम उनको म्यूनसिपल काउंसल्स काउंसलर्स कहते हैं मेट्रोपोलियन सिटीज़ सच डेली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द चेयरपर्सन ऑफ ए म्यूनिसपल कॉरपोरेशन ऑफ ए सिटी इज़ कॉल्ड द मेयर ऑफ दैट सिटी अब जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ होती हैं जिनमें मेट्रो चलती हैं जैसे कि डेली में मुंबई में कोलकाता में चन्नई में उन उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चेयरपर्सन होता है या जो हैड होता है सिटी का हम उसको मेयर ऑफ द सिटी कहते हैं द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ ए म्यूनसिपल कमेटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कीपिंग दिटी क्लीन ग्रीन एंड सेफ सिटी को साफ रखना हरा रखना और सेफ रखना उनकी ड्यूटी होती है बिल्डिंग रिपेयरिंग एंड मैंटेनिंग रोड्स बिल्डिंग बनाना रोड्स को मैंटेन करना उनको रिपेयर करना ये भी उनकी ड्यूटी है सप्लाइंग एलक्ट्रिसिटी टू दीपल अब जो टाउन जो मुनिस, मतलब जो लोग रहते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको साफ पानी प्रोवाइड करना ओपनिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स अब नए नए हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल बनवाना और उनको मेंटेन करना प्रोवाइड प्रोवाइडिंग गुड एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन उनको अच्छी और फ्री में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स और जो लोगों के मरने और पैदा होने का सर्टिफिकेट होता है उनको प्रोवाइड करना ये सब म्यूनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन का काम होता है सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम दिस इज यम होमवर्क